आगामी 26 अगस्त को जन्माष्टमी है और पूरे देश में हर कोई अपनी तरह से जन्माष्टमी मनाने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी क्रम में हल्द्वानी के वन अनुसंधान केंद्र में कृष्ण वाटिका तैयार की गई है, जहां प्रभु श्री कृष्ण के 5 पसंदीदा पेड़ लगाए गए हैं। साथ ही उनकी बाल लीलाओं से जुड़े हुए पेड़ इनमें कदम्ब, मौलश्री, कृष्णवट, कृष्ण कमल और वैजयंती के पेड़ शामिल है। वहीं अगर देखा जाए तो यह पेड़ अब विलुप्त की कगार पर है। ऐसे में उत्तराखंड वानिकी अनुसंधान संस्थान ने इन वृक्षों का संरक्षण किया है। इसके तहत ही अनुसंधान केंद्र के वन क्षेत्राधिकारी मदन विष्ट ने बताया कि उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृष्ण वाटिका तैयार की है। जन्माष्टमी के दिन इन वृक्षों की महत्ता और बढ़ जाती है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में हमने एक कृष्ण वाटिका बनाई है। जन्माष्टमी के टाइम में इसका और महत्व बढ़ जाता है। तो भगवान कृष्ण को 5 तरह की जो वनस्पतियाँ प्रसिद्ध थी उनके लिए उनको अच्छी थी, वो हमने यहाँ पर स्थापित किया है। कदम्ब है जिसमें वो बांसुरी बजाया करते थे, बकुल या मौलश्री है जो बहुत घना पेड़ होता है जिसमें वो छुपते थे, माखन कटोरी जिसको कहा गया कृष्णभट, भगवान कृष्ण के नाम पर ही उसका नाम भी फैकस कृष्ण ही पड़ा हुआ है, तो मक्खन उससे खाते थे, और कृष्ण कमल जो वो उनको प्रिय था, और वैजंती माला, गले में वैजंती माला कहा गया भगवान कृष्ण के लिए, तो वो वैजंती का पेड़ भी यहाँ लगा हुआ है। तो 500 तरह की वनस्पतियाँ यहाँ लगी हैं, और यहाँ पर जो भी विजिटर आता है, आगंतुक आते हैं, वो इसका अवलोकन करते हैं और देखते हैं।